यूनानी चिकित्सा के पितामह हकीम मोहम्मद अजमल खां की जयंती के अवसर पर जयपुर में मनाया गया भव्य राष्ट्रीय यूनानी दिवस समारोह। खबर अब विस्तार से। हकीम मोहम्मद अजमल खान की जयंती के अवसर पर 11 फरवरी 2024 को WHC अमेजन हॉस्पिटल वैशाली नगर जयपुर में राष्ट्रीय यूनानी दिवस समारोह की भव्य कार्यशाला और समारोह आयोजित किया गया, जिसे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस राजस्थान और राजपुताना ओल्ड बॉयज एसोसिएशन राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। WHC अमेजन अस्पताल जयपुर द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय यूनानी दिवस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर शौकत अली अंसारी, पूर्व प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टोंक के संस्थापक और राजस्थान सरकार के आयुष मंत्रालय के पूर्व OST डॉक्टर मोहम्मद खालिद सिद्दीकी, राष्ट्रीय महासचिव ने की। भारत यूनानी तिब्बी सम्मेलन नई दिल्ली और यूनानी चिकित्सा मंत्रालय में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद के पूर्व संस्थापक महानिदेशक आयुष भारत सरकार नई दिल्ली राष्ट्रीय यूनानी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और माननीय निदेशक यूनानी चिकित्सा विभाग डॉक्टर फैयाज अहमद खान और शमशाद अली मुख्य उत्पादन और परियोजना प्रबंधक हमदर्द लेबोरेटरीज मेडिसिन डिवीजन नई दिल्ली विशेष अतिथि थे। ROBA के अध्यक्ष डॉक्टर फरहत अली खान, ROBA के उपाध्यक्ष डॉक्टर मकबूल अहमद और सम्मेलन के मुख्य संयोजक WHC अमेजन अस्पताल के प्रबंध निदेशक श्री भारल, WHC अमर जैन अस्पताल के CEO डॉक्टर शेखर व्यास सम्मानित अतिथि मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद अकमल मुख्य संचालक और डॉक्टर आफ्ताब जैदी सह संचालक ने सम्मेलन का संचालन किया। इस अवसर पर हकीम अजमल खान राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 कुछ प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सकों और यूनानी के गणमान्य व्यक्तियों को दिए गए। श्री भारल, श्री भर्गो एवं डॉक्टर शेखर CEO यूनानी और उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान के लिए डॉक्टर मोहम्मद खालिद सिद्दीकी, डॉक्टर शमशाद अली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। डॉक्टर मकबूल खान वाइस रेजिडेंट ROBA को निजी प्रैक्टिस में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, डॉक्टर शैनी अकमल को यूनानी चिकित्सा में उत्कृष्ट प्रैक्टिस के लिए, डॉक्टर शमसुल हसन तारिक को उत्कृष्ट पुनः खोज और वैज्ञानिक कार्य के लिए अजमल खान राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर खालिद सिद्दीकी ने बताया कि अखिल भारतीय यूनानी तिब्बी सम्मेलन का केंद्रीय कार्यालय कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्य को वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मार्च के महीने में हम बिरला ऑडिटोरियम में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। अंत में डॉक्टर मकबूल अहमद ने अतिथियों, प्रतिनिधियों और सभी प्रतिभागियों को हृदय से धन्यवाद दिया। नेशनल हुसैनी 72 न्यूज की रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनके मैनेजमेंट और उनकी टीम, और इसके अलावा हमारी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि यूनानी प्रैक्टिस के साथ साथ आपके अलावा जो डिजीजेज आप ट्रीट नहीं कर पा रहे या कोई ऐसी चीजें कॉम्प्लिकेशन है, ऑपरेटिव केसेस है, या जहां पे भी हमें किसी हायर सेंटर की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे पहला नाम शहर के अंदर WHC अमर जैन हॉस्पिटल का है। अब वो क्यों है वो भी मैं बताता हूं। उसकी वजह यह है कि आप रीजनेबल रेट्स पर बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े अच्छे व्यवहार, यहां तक कि जो आपके ऑनर है वहां से लेकर के और आपके बॉय तक, सबका अखलाक, सबकी मोहब्बत, हम लोगों ने जो पेशेंट्स भेजे हैं उन्होंने बताया है, और आपका काम करने का तरीका और रीजनेबल तरीका, और आपका जो विजन है कि आप मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जगह जगह देश के कोने कोने में या बड़े बड़े शहरों में आप, तो आपका विजन इंशाल्लाह कामयाब होगा, क्योंकि आपकी सोच ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ लोगों को फैस पहुंचाने की है, पैसा कमाने की नहीं है। और हम वादा करते हैं इस स्टेज से कि इंशाल्लाह हम सभी लोग आपको और आप हमको कोऑपरेट करेंगे। दूसरी बात यह है कि यूनानी हजारों साल से यूनानी पैथी चली आ रही है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 5-7 सालों में जब से डायरेक्टरेट में डायरेक्टर थे जनाब असलम साहब और आज फैयाज अहमद साहब और OSD साहब हमारे शौकत अली साहब, इनके कार्यकाल में जितना काम हुआ है या अब डायरेक्टरेट में जो भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स और उनकी टीम है, इतना काम पिछले 25-30 सालों में मैंने नहीं देखा। तो हम शुक्रगुजार हैं आप जैसे लोगों के, जो आप जैसे यूनानी के सिपाही जो मेहनत कर रहे हैं, और मैं भी अदना सा एक सिपाही हूँ यूनानी का। डॉक्टर मकबूल अहमद साहब का जिक्र।